ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं भगवान शिव के एक अद्भुत मंदिर जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए और मंदिर के महत्व और इतिहास के बारे में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाओं में विराजमान भगवान शिव का यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर कहलाता है। इस मंदिर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मंदिर में किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मंदिर एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है, जहां किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को नीचे से शुरू करके ऊपर तक पूरा किया जाता है। वहीं इसके उलट इस मंदिर को पहाड़ के ऊपर से काटते हुए नीचे तक बनाया गया है। करीब 2 मंजिला बना यह मंदिर अपनी अद्भुत कलाकृति के लिए जाना जाता है। एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर को वास्तुकला के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक इमारतों में से एक माना जाता है। कैलाश मंदिर में पहुंचने पर आपको रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही इस मंदिर में आपको भगवान शिव की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। माना जाता है कि एलोरा की गुफा नंबर 16 में बना कैलाश मंदिर का निर्माण आज से लगभग 1200 साल पहले सन 756 से 773 के दौरान किया गया होगा। और ये भी माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 वर्षों का समय लगा होगा और लगभग 7000 मजदूरों ने लगातार इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया था। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। एलोरा की गुफाओं का सीधा संबंध बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से है, इसलिए इन धर्मों के अनुयायियों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। इसके अतिरिक्त देशी विदेशी पर्यटकों की भी यहाँ पूरे साल चहल पहल रहती है। इन गुफाओं में इतना आकर्षण और कौशल है कि यहाँ पर आने वाले सभी पर्यटक इसे देखकर चकित उठते हैं। हालांकि जिस तरह से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्व विभाग ये अनुमान लगाता है कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 वर्षों का समय लगना चाहिए था, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में पूरा हुआ। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता की भी संभावना जताई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ जाने वाले व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली से वहाँ तक ट्रेन द्वारा कैसे पहुँचा जाए। कैलाश मंदिर के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि इस मंदिर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से बाहर आते ही आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए बस, ऑटो, टैक्सी सभी प्रकार की सुविधाएं बहुत ही आराम से मिल जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली से औरंगाबाद जाने वाली और आने वाली सबसे बेहतरीन ट्रेन के बारे में। आज की हमारी जाने वाली ट्रेन का नाम है सचखंड एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 12716। ये अमृतसर से हजूर साहिब नांदेड़ तक चलने वाली ट्रेन है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर को 1 बजे चलती है और अपनी 20 घंटे 40 मिनट की यात्रा को पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर 9:40 पर पहुंचा देती है। ये ट्रेन सप्ताह के 7 दिन चलने वाली ट्रेन है। इसमें आप स्लीपर का, थर्ड एसी का, सेकंड एसी का और फर्स्ट एसी का टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। स्लीपर के टिकट की बात की जाए तो वो है लगभग 620 रुपए का। थर्ड एसी का टिकट है इसका 1630 रुपए का और सेकंड एसी का टिकट है इसका 2335 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट है इसका 3955 रुपए का। ध्यान रखें, यदि आप इसका टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं या आसपास किसी एजेंट द्वारा टिकट बुक करवाते हैं तो रेलवे का सर्विस चार्ज इसमें एक्स्ट्रा रहेगा। तो चलिए अब वापसी की ट्रेन के बारे में बात करते हैं। वापसी की ट्रेन भी हमारी यही है, सचखंड एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर हो जाएगा 12715। ये नांदेड़ से अमृतसर तक चलेगी। औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन से ये दोपहर को 1:30 बजे चलती है और अपनी 23 घंटे 35 मिनट की यात्रा को पूरा करने के बाद अगले दिन दोपहर को 1:05 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। वापसी में ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी रुकती है। वहां पर इसका रुकने का टाइम है दोपहर को 12:35 पर। ये ट्रेन भी वही है, सप्ताह के 7 दिन चलने वाली। वापसी में इसका किराया कुछ बदल जाता है। वापसी में इसका किराया हो जाता है, स्लीपर का किराया रहता है इसका 630 रुपए का। थर्ड एसी का टिकट जाता है इसका 1650 रुपए का। सेकंड एसी का टिकट हो जाता है इसका 2360 रुपए का और फर्स्ट एसी का टिकट हो जाता है इसका 4000 रुपए का। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है दिल्ली से औरंगाबाद के कैलाश मंदिर तक पहुंचने की जानकारी और वहां तक जाने वाली सबसे बेहतरीन ट्रेन की जानकारी। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।